हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज आपको जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के ऊपर है। तो ये प्राइवेट लेबल ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर कोई भी नया बिज़नेस करने का जो सोच रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इससे आइडिया आएगा कि आपको किस तरीके से ये जो प्राइवेट लेबल ब्रांड होती है ये किस तरीके से क्या होती है। और एक्चुअली में अगर हम इसके अंदर अपना बिज़नेस इंटेंसीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखें। और ये PPTs मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इसमें जान सकें कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट लेबल ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिज़नेस के लिए। सबसे पहले मैं इसका बेसिक जो है वो आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि प्राइवेट ब्रांड बोलते किसको हैं। तो प्राइवेट ब्रांड क्या होता है कि प्राइवेट ब्रांड इज़ नॉन एज द स्टोर ब्रांड, ओन ब्रांड एंड द मर्चेंडाइज ब्रांड। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना जो ब्रांड नेम है वो उसको यूज़ नहीं करता है, वो खाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करता है। और जो ब्रांड नेम यूज़ करता है वो रिटेलर इसका ब्रांड नेम यूज़ कर सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी भी इसका यूज़ कर सकती है। सपोज़ अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं और अपना लेबलिंग ब्रांड यूज़ करते हैं तो उसको भी प्राइवेट लेबल ब्रांड बोला जाता है। मैं इसके अंदर एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा तो आपको अच्छी तरह इसका समझ में आएगा कि डी होम्स करके एक प्रोडक्ट है डी मार्ट का, तो उसको आप प्राइवेट लेबल ब्रांड बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट यूज़ करता है डी मार्ट, वो डी होम जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे वो प्रोडक्ट वो डायरेक्ट ले लेता है और अपना जो लेबलिंग, अपना जो ब्रांड डी होम्स करके है उसको वो यूज़ करता है। तो ये खाली डीमार्ट ही यूज़ नहीं करता, बड़े बड़े जो रिटेलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, बिग बाज़ार भी इसका यूज़ करता है, ठीक है, और तुम्हारा और काफ़ी सारे जो हैं पेंटलून्स इसका यूज़ करता है, अप क्लोथ्स के अंदर और गारमेंट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्राइवेट लेबल ब्रांड्स से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि इसके अंदर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, आप ई कॉमर्स से कमा सकते हैं। अगर आपका कोई रिटेलर शॉप है अपने ब्रांड यूज़ कर सकते हैं तो इससे आपका नाम भी होगा, ठीक है, और आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि आप इस पर क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आप उस टाइम पर मैन्युफैक्चरर नहीं होते तो आपको क्वालिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। अब मार्केट शेयर फॉर द प्राइवेट लेबल ब्रांड्स इन द फूड सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो फूड सेक्टर है इसके अंदर पैकेजिंग ग्रोसरी 52% है, ठीक है, और कुकिंग मीडियम्स के अंदर इसका जो परसेंटेज है वो 15% है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अदर फूड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका 20%, ठीक है, और इम्पल्स फूड प्रोडक्ट है इसका 5%। तो इस तरीके से जो परसेंटेज है फूड आइटम्स के अंदर प्राइवेट लेबल्स का वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब परसेंटेज शेयर इन द प्राइवेट लेबल्स, अब हम जैसे कि आपको क्लियर कर दिया है कि प्राइवेट लेबल्स एक्चुअली होता क्या है, तो अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है वो कितना यूज़ करती हैं प्राइवेट लेबल्स का। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ट्रेंड सबसे ज़्यादा यूज़ करती है 90%, फिर रिलायंस का नंबर आता है 80% इसका यूज़ करती है, ठीक है, फिर पेंटालूंस, देखो मैंने पेंटालूंस का जैसा आपको एग्जाम्पल दिया था तो ये 75% द पेंटालूंस हैज़ बिन यूज्ड, ओके। देन इट इज़ केम नाइजीरियस इंडिया इंडियन बुल्स फूड वर्ल्ड्स Shopper Stop, Ebony and Spencer. So this all are the companies which is well reputed company. हम जब भी कोई Reliance Fresh में जाते हैं, Pantaloons में जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हमें लगती हैं कि वो Pantaloons की हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन Pantaloons अपना ब्रांड नेम और Reliance Fresh अपना ब्रांड नेम उसके अंदर यूज़ करता है। तो प्राइवेट लेबल इस तरीके से वर्क करती हैं और ये सारी जो कंपनी है ये प्राइवेट लेबल का यूज़ करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब इस प्राइवेट लेबल का यूज़ कर रही हैं तो आप भी इसको यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और काफ़ी जल्दी इंटेंसीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाई प्राइवेट लेबल ब्रांड, अब हमें प्राइवेट लेबल ब्रांड्स यूज़ क्यों करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो ये एक क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि ग्रो ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को ग्रो करने के लिए चेंजिंग लाइफ स्टाइल को चेंज, कंज्यूमर चॉइस काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्रिटिकल फैक्टर ऑफ हाई एंड यूज़र, ठीक है, मार्केट एक्सपांशन, इसका जो एक्सपांशन मार्केट एक्सपांशन है वो ज़्यादा है। फिर अब लेबल्स, अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि जो प्राइवेट लेबल्स हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चार टाइप्स के ब्रांड्स होते हैं, प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं। सपोज़ फर्स्ट आता है जेनरिक, फिर आता है कॉपी कैट, फिर आता है प्रीमियम स्टोर ब्रांड्स, फिर आता है वैल्यू इनोवेटिव। जब मैं जेनरिक की बात करता हूँ तो इसके अंदर जनरल प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इसके अंदर नहीं रहता है। कॉपी कैट्स का जब मैं बात करता हूँ तो कॉपी कैट्स के अंदर जैसा आपने पूमा का कॉपी कैट देखा होगा, नाइकी का कूपे कॉपी कैट देखा होगा, जो जो इसको कॉपी करते हैं वो इसके अंदर कॉपी कैट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर प्रीमियम स्टोर ब्रांड्स, प्रीमियम स्टोर ब्रांड्स जैसा मैंने डी मार्ट का आपको एग्जाम्पल दिया, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वैल्यू इनोवेटर्स, फिर जेनरिक प्राइवेट ब्रांड्स में आप देख सकते हैं लो प्रोपोर्शन वाली, लो मार्जिन है, ठीक है, जेनरिक में सबसे ज़्यादा लो मार्जिन है इसका। मैंने एग्जाम्पल पहले भी आपको दिया था, बिग बाज़ार, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो कॉपी कैट्स हैं और वो किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, और सॉरी कॉपी कैट मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको प्राइवेट लेबलिंग कहूँगा, कि जो प्राइवेट लेबलिंग है वो किस तरीके से होती है, ठीक है, कि कौन कैसे आप अपना ब्रांड यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपका जो ब्रांड है वो आप इसको यूज़ करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, देखो जैसे कि सेवलॉन, अब अपोलो भी एक उसी तरीके का जो प्रोडक्ट है उसको वो सेल कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर किसी और से करा रहा है, लेकिन अपना जो ब्रांड नेम है वो उसने रखा है, ठीक है। तो इसको कॉपी कैट तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है प्राइवेट लेबलिंग का। जैसे कि आप पोस्ट कोविड-19 के अगर बिज़नेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए हो सकता है, अगर आप सैनिटाइज़र के अंदर इसका यूज़ करें, कि अगर आप अपना ब्रांड यूज़ करके अगर कोई थर्ड पार्टी से, कोई थर्ड मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट रिटेलर को देते हैं या फिर कस्टमर को देते हैं, तो इसमें आपका प्रोडक्ट का नेम भी ज़्यादा होगा, आपका नाम भी होगा, और आप इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकेंगे, और आपका जो जो मार्केट एरिया है, मार्केट साइज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि हिमालय का ये है जैसे कि, ठीक है, तो देखो इसमें भी अपोलो ने यूज़ करा हुआ है, ठीक है। अब ओरियो के जो बिस्किट्स हैं इसके अंदर भी, ये भी एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट लेबलिंग और इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, पोस्ट कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो इस तरीके से अगर आप इस इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है बिज़नेस कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट आई हैव, और मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस मार्क माइक चैनल के अंदर शेयर करता रहूँगा, तो आप इसको फॉलो कीजिए, और जितना हो सके आप इसको बिज़नेस के अंदर अगर फॉलो करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा इंडियन मार्केट है, जो हमारे हमारा जो छोटा बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है, उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो FDI का जो मैंने PPT रख डाला था, उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल रीज़न की वजह से वॉल्यूम नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी आप उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से FDI है, उसका क्या रोल रहता है, और पोस्ट कोविड-19 के बाद FDI का क्या रोल हो सकता है, और हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो टेक्निकल रीज़न की वजह से उसके अंदर शायद वॉल्यूम नहीं आ पाया, तो आप इसको मैंने जो शेयर है PPT शेयर उसके अंदर करी हुई है, तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं और इजीली आप उसके अंदर आइडिया, और अगर आपको कुछ उसके अंदर कुछ जानना है, कुछ करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब ये कॉपी कैट्स क्या होता है, कॉपी कैट्स जैसा कि मैंने बताया, इन दिस कैटेगरी ओनली द ब्रांड नेम विल बी कॉपीड, जो ब्रांड नेम होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे मैंने पूमा का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जैसे आप एडिडास का ले सकते हैं, देखिए अब जैसे एडिडास की इन्होंने किस तरीके से कॉपी करी, ये एडिडॉज है, ये कॉपी कैट है एडिडास की, तो इस तरीके से ये कॉपी कैट होती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने पूमा का एग्जाम्पल दिया था, अब देखो ये ओरिजिनल है पूमा, और ये देखो ये क्या, ये कॉपी कैट इन्होंने क्या किया, ये DA में ये कॉपी कैट है पूमा का। तो इस तरीके से जो प्राइवेट लेबलिंग होती है वो कॉपी कैट करती है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ऐसा कॉपी कैट बिल्कुल मत कीजिए, आप आपकी ब्रांड का यूज़ करिए, लेकिन कोई कॉपी मत करिए ब्रांड का, क्योंकि इससे आपका जो वैल्यू है वो कम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है।
अब प्रीमियम स्टोर ब्रांड्स लेबलिंग आर द मोर एक्सपेंसिव दैट द नेशनल ब्रांड एंड विल हैव द सुपीरियर क्वालिटी गुड फीचर्स एंड द डिज़ाइन। तो जो प्रीमियम स्टोर ब्रांड जैसे कि मैंने बताया कि जैसे पेंटालूंस हुआ, बिग बाज़ार हुआ, डी मार्ट हुआ, ये सब क्या है प्रीमियम स्टोर ब्रांड्स, इनको आप बोल सकते हैं। तो ये जो इसका जो नेशनल ब्रांड्स हैं सुपीरियर क्वालिटी और गुड फीचर्स एंड डिज़ाइन इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्राइवेट ब्रांड्स इसका यूज़ करते हैं, जैसे वेस्टर्न, ठीक है। ये इनके खुद की जो ब्रांड है, मतलब मैन्युफैक्चरर डिफरेंट है, लेकिन अच्छा इसके अंदर एक और मैं आपको शेयर कर सकते एक मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा एक चीज़ की, अगर आप इसका यूज़ भी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो ध्यान आपको रखना है, कोई भी मैन्युफैक्चरर से जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करा रहे हैं तो आपको क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो आपका जो कस्टमर है वो डाइवर्ट हो सकता है और वो आपको बाद में ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको ये हमेशा बोलूँगा कि आपको आपके इथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने हैं, जो बेंचमार्क्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आप क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रांड नेम है वो आपकी यूज़ हो रही है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट के अंदर खराबी आती है या प्रॉब्लम होती है, सो यू आर ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इट हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड मोर कंशियस एंड फोकस अबाउट अवर मैन्युफैक्चर, दैट वॉट दे आर मैन्युफैक्चर रियली दे आर जस्ट फुलफिल अवर बेंचमार्क्स और नॉट वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ़ वी आर डूइंग इफ यू फाइंड सम बिजनेस इन द प्राइवेट लेबलिंग। सो रियली आवर प्राइवेट लेबलिंग persons, whatever the manufacturer is to be, really they are fulfill the benchmarks or not, ठीक है। तो ये आगे वैल्यू इनोवेटर्स क्या होता है, रिटेल फॉलोइंग अप्रोच दैट हैज फोकस्ड कटिंग डाउन कॉस्ट, ठीक है। सिंपली एंड आईकिया इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, डन विद द फर्नीचर्स कटिंग कॉस्ट थ्रू द होल प्रोसेस एज वेल एज पासिंग ऑन द कलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइटम्स टू द कंज्यूमर। आप ऐसे भी इस तरीके को आप ले सकते हैं कि जो आईकिया है वो क्या करता है, वो फर्नीचर बनाता है, ठीक है। वो कटिंग कॉस्ट निकाल लेता है किसकी, होल प्रोसीजर की, और वो पास कर देता है किसमें, कंस्ट्रक्शन आइटम ऑफ कंज्यूमर में। सो मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्राइवेट लेबल ब्रांड, तो मार्केटिंग मिक्स जैसा कि मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है कि मार्केटिंग मिक्स किसको कहते हैं, तो मार्केटिंग मिक्स प्राइस प्रोडक्ट, तो इसके अंदर जो मार्केटिंग मिक्स होता है प्राइवेट लेबल के अंदर वो क्या होता है, प्राइस लोअर देन द नेशनल ब्रांड अप्रॉक्सी 5-20%, जो एक्चुअल ब्रांड होती है नेशनल ब्रांड उससे इसका जो प्राइस है वो कम होता है, ठीक है। और ये जो प्राइवेट लेबलिंग है इसका बहुत सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड एज अ कंज्यूमर रेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब कंज्यूमर इसको ज़्यादा बाय करते हैं, तो इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा आपको कि आपको फ्रॉम द इनिशियली बेसिस आपको इसका क्वालिटी अच्छा रखना है, आपको इसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बेंचमार्क्स को आपको फुलफिल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर वैल्यू, इट्स योर इथिकल स्टैंडर्ड। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बिजनेस कोई भी करो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। ये प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स का है, इन हाउस एडवर्टाइजिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम, SMS चैनल, प्लेस इंक्रीज अवेलेबिलिटी इन द टीम टर्म्स ऑफ स्टोर्स, कीप नेशनल ब्रांड्स, ठीक है। अब ग्रोथ फैक्टर ऑफ द प्राइवेट ब्रांड्स, अब इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपको इसके अंदर क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप प्राइवेट ब्रांडिंग करते हैं, प्राइवेट लेबलिंग करते हैं, तो आपको इससे आपको क्या ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसको सिस्टमेटिक करते हैं, तो ठीक है। कंज्यूमर वैल्यू बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप, मैंने जैसा बताया, अगर आप बेंचमार्क्स फुलफ़िल करेंगे, अगर आप अपने कस्टमर को फुलफ़िल करेंगे, अगर आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, तो कंज्यूमर वैल्यू बढ़ेगी, रिटेलर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। वेयर डू स्टोर ब्रांड कम फ्रॉम, सो स्टोर ब्रांड कहाँ से आते हैं, ठीक है। ओनली बॉय देयर फेवरेट स्टोर ब्रांड एज देयर फेवरेट स्टोर, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टोर ब्रांड प्रोडक्ट फेल इन टू द 4 जनरल क्लासिफिकेशन, ये इसके क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। स्टोर ब्रांड मीट ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड द रिक्वायरमेंट, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हुआ है वो इसी के अंदर बता रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फिर आपको ध्यान देना है कि जो आप एनालाइज करें उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, ईच एंड एवरीथिंग आपको, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर आपका ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट लाता हूँ पेंटालून से और वो प्रोडक्ट ख़राब निकलता है, तो अल्टीमेटली जो मेरा जो माइंडसेट बनेगा वो पेंटालून के लिए बनेगा, मेरा जो माइंडसेट बनेगा
नहीं बनेगा, जो मैन्युफैक्चरर है मेरा जो माइंडसेट बनेगा वो पेंटालूंस के लिए बनेगा, तो इसमें इमेज ख़राब होगी पेंटालूंस की। तो वो ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। स्मार्टर चॉइस, ठीक है, स्टोर ब्रांड अमेरिकन शॉपर एस्टिमेट 32 बिलियन एनुअल सेविंग इन्होंने करी है, ठीक है। डिफरेंट सो कॉल्ड मार्केटिंग टैक्स एंड कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग। अब मैं इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं कॉस्टिंग ऑफ नेशनल ब्रांड वर्सेस प्राइवेट ब्रांड, आप जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो आप जैसे फैब्रिक कॉस्ट 220 है नेशनल ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड भी आप देखेंगे प्राइवेट ब्रांड भी उतना ही है जितना नेशनल ब्रांड है। MRP देख सकते हैं, प्राइसेस रिसर्च। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट ब्रांड्स, जैसा कि प्राइवेट लेबल्स ब्रांड्स एग्जीक्यूटली इन द डिफरेंट, ठीक है, इनकम टैक्स इन्वेंट्री रिस्क तो रहता ही है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी। ब्रिंग कस्टमर लॉयल्टी आप ले सकते हैं। R&D में ज़्यादा एक्सपेंस आपका होगा क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्वालिटी एंड एवरीथिंग। बेटर मार्जिन मिल सकता है, हाई मार्केटिंग एक्सपेंस है, बेटर कंट्रोल इन द डिलीवरी, नॉन मार्क डाउन रिटर्न अलाउंसेस है, फ्रीडम इन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट्स फोल्स इमेज, इंक्रीज बार्गिंग पावर विद द नेशनल ब्रांड्स, PL फैक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे के सारे जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ प्राइवेट लेबलिंग, प्राइवेट लेबल्स सेल्स टू द किराना स्टोर्स, प्राइवेट लेबल सेल टू द किराना स्टोर्स के अंदर आप सेल कर सकते हैं। नीलसन एस्टिमेट दैट द स्पेंड प्राइवेट लेबल इज द कंट्रीज ग्रो 5 times रिच देन द 500 million और अबाउट 3000 crore बाई 2015। ये एक्चुअली पुराना रिसर्च है। तो अभी अगर मैं अभी का डेटा की अगर आपको बात करूं तो इसका जो लेवल है, जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर जो इसका जो मार्जिन है वो किस तरीके से इसका बढ़ा है, ठीक है। एसेसरीज हुआ, फूड ग्रोसरी हुआ, होम इम्प्रूवमेंट, फुटवेयर्स, ठीक है। अब कॉस्मेटिक्स के अंदर देखो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉस्मेटिक्स के अंदर, इसके अंदर कौन कौन है प्रेजेंस, पेंटालूंस है, स्टार है एंड स्टेरिटा है। ग्रोसरी के अंदर बिग बाज़ार है, ठीक है, और बिग बाज़ार के अंदर जैसे कि टेस्टी ट्रीट, आर्ट सेलेक्ट, हल्दी, हेल्थी लाइफ, सुपर ग्रेड, शरबती आटा, एम्ब्रा एंड एक्सटर्नल हैंडवॉश, ऑल दिस थिंग्स आर भी ये प्राइवेट लेबल के अंदर ये आती हैं और बिग बाज़ार जो है इसका प्राइवेट लेबलिंग करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस कंपैरिजन प्रमोशन किस तरीके से होते हैं इनके। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस लेआउट, जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं वो इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं देखो, आप जैसे चेक कर सकते हैं। फाइंडिंग प्राइवेट लेबल ब्रांड वर्सेस नेशनल ब्रांड, देखो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हार्पिक है ये 26 rupees फॉर 200 ml, ये 60 rupees फॉर 500 ml। तो इस तरीके से देखो ये प्राइवेट लेबलिंग का यूज़ होता है। देखो जैसे हार्पिक है 26 rupees का ये 200 ml दे रहा है और ये 60 rupees का 500 ml दे रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ज़्यादा रेट में ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से यूज़ करते हैं प्राइवेट लेबल्स। बाय वन गेट वन फ्री, नो ऑफ़र, देखो जैसे कि ये देखो अगर आप नेशनल ब्रांड की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑफ़र आपको नहीं मिलेगी, और अगर आप इसी टाइम पे अगर आप प्राइवेट लेबल्स की बात करेंगे तो आपको ऑफ़र्स काफ़ी सारी मिलती हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ये आप बहुत ज़्यादा देखेंगे रिटेल स्टोर्स के अंदर, आप बहुत ज़्यादा देखेंगे डीमार्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है, स्टार बाज़ार के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आप इसका प्राइवेट लेबलिंग देखेंगे। सो थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली हमारे बिजनेसमैन छोटे व्यापारियों के लिए बनाया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मार्क मैक के चैनल के ज़रिए जो स्ट्रेटजीज हम लोग शेयर करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं, जितने भी कंटेंट हम लोग देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब आप शेयर करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की, जिसको सही में ज़रूरत है, नीडी लोग हैं जो जो व्यापार करना चाहते हैं और जो इस तरीके का बिज़नेस
करना चाहते हैं, तो वो इन स्ट्रेटजी को अगर वो कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो ये सारे वीडियोस हम मार्क मैक चैनल के अंदर बनाते रहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मार्क मैक चैनल जो हमने स्टार्ट किया है, ये उस कह सकते हैं ये वो पहली किरण है सूर्य की जो 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 एक पौधे के ऊपर पड़ती है और उसको एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये उसी की तरीके से हम एक वो ही स्ट्रेटजीज और वो सब अपने देश के लिए, अपने रिटेलर्स के लिए, अपने छोटे व्यापारियों के लिए, अपने छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इन स्ट्रेटजीज को वो अपने लाइफ में अपने बिजनेस के अंदर अगर वो इसको अप्लाई करते हैं तो उनका जो बिजनेस है उसको इंटेंसिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो जितने भी हैं, तो ये हम FDI की बात जैसे करते हैं, बहुत सारे जो ऐसे ब्रांड हैं जो बाहर के, तो हमको मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो हमारे इंडियन मार्केट को देना चाहिए। हमें हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, किसी भी हालत में इसको बढ़ाना पड़ेगा, और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे।